नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। आज हम बात करेंगे हमारे देश के एक ऐसे रेलवे स्टेशन की जो हमारे देश में ही स्थित है, उसके बावजूद उस रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा चाहिए होता है। हम जानते हैं कि इंडियन रेलवे वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे है और यहाँ के अलग अलग स्टेशन की यूनिक आइडेंटिटी है। ऐसे में आज हम बात करेंगे उस स्टेशन के बारे में जहां पर जाने के लिए आपको पासपोर्ट और वीजा की जरूरत है। ये स्टेशन है अटारी स्टेशन, जिसका नाम अब अटारी श्याम सिंह स्टेशन हो गया है। इस स्टेशन पर पाकिस्तानी वीजा ले जाना अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई इस स्टेशन पर बिना वीजा पाया जाएगा तो उसके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। यही वो स्टेशन है जहां से देश की VVIP ट्रेन समझौता एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ था। ये स्टेशन अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि यहां पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले सीमा शुल्क सुरक्षा की इजाजत के साथ साथ पैसेंजर्स की इजाजत भी लेनी पड़ती है, जो कि अपने आप में पहला स्टेशन है ऐसा करने वाला। इस रेलवे स्टेशन से टिकट खरीदने वालों को अपना पासपोर्ट नंबर भी लिखवाना होता है। ये रेलवे स्टेशन पूरी कड़ी सुरक्षा के अंदर है। ये स्टेशन है बहुत छोटा, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। आसानी से किसी को भी इस स्टेशन पर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। ये स्टेशन हिंदुस्तान के बॉर्डर पर है, पंजाब का कह सकते हैं कि आखिरी स्टेशन है ये। जहां इस स्टेशन के भारत वाले छोर पर अमृतसर है, वहीं इस स्टेशन के दूसरे साइड पाकिस्तान का लाहौर है। इसीलिए इस स्टेशन पर जाने के लिए इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।